हरिद्वार में जिलाधिकारी दीपक रावत ने भूपतवाला क्षेत्र में चल रहे नेशनल हाईवे के कार्य और हाईवे निर्माण के लिए सरकार द्वारा अधिकृत भूमि पर किए गए अतिक्रमण का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने एनएचएआई तथा स्थानीय प्रशासन की टीम के साथ निरीक्षण किया। साथ ही मेयर मनोज गर्ग और रत्नमणि डोबाल ने भी डीएम को अवगत कराया कि एनएच द्वारा ड्रेनेज के लिए बनाए जा रहे नाले को संकरा तथा नाले का लेवल सड़क से ऊंचा कर दिया गया है। इस पर एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि पहले नाला सड़क के एक ही ओर हुआ करता था तो बड़े नाले की जरूरत थी। वर्तमान कार्यों के दौरान हाईवे के दोनों अंडरग्राउंड नाला बनाया जा रहा है जिससे दबाव को संतुलित बनाया जाएगा। दोनों नालों पर सड़क का बरसाती पानी नाली में जाए इसके लिए खुले स्थान छोड़े जाएंगे ताकि बरसात का पानी सड़क से नालों में चला जाए। नाले के बंद होने या भरने पर उसकी सफाई की जा सके इसके लिए जगह जगह ढक्कन लगाए जा रहे हैं। वही जिलाधिकारी ने हाईवे किनारे कई संस्थानों का अतिक्रमण पाया जहाँ उन्होंने किए गए किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को 15 दिन के अंदर तोड़ दिए जाने के निर्देश होटल धर्मशाला आश्रम संचालक को दिए हैं। यदि ये संस्थान अतिक्रमणीय निर्माण को नहीं तोड़ते हैं तो जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर चिन्हित दूरी तक अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। देखिए, ये कुछ मुद्दे थे NH-58 के उत्तरी हरिद्वार में, उनका मुआयना करने आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। पहला मुद्दा तो यही है कि जो पुराना ड्रेनेज था बरसाती नालों का, वो कहाँ जाएगा, उसकी निकासी कहाँ होगी और कैसे की जाएगी। तो इसमें हमने NHAI को ये निर्देश दिए हैं कि जो पुराने आपके नाले हैं बरसाती नाले, उनका जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, उसके अलावा सड़क के पानी का भी इतना मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, उसके हिसाब से अगर लगता है कि जो नालियाँ आपने बनाई हैं उसकी कैपेसिटी कम है तो उसको रीडिज़ाइन कर लें, या तो उसकी गहराई बढ़ा दें या फिर उसकी चौड़ाई बढ़ा दें, और यथासंभव इसमें बीच बीच में होल्स छूटने चाहिए ताकि जो सड़क का पानी है वो उन होल्स के माध्यम से इन्हीं नालियों में चला जाए जो आपने बनाया।